नमस्कार तो दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है चालबाज और ये मूवी आपको किस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कृष्णा चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं चालबाज जिसका हिंदी में अनुवाद सिक्रेट्स है पंकज प्रसाद द्वारा निर्देशित नाइनटीन की भारतीय कॉमेडी फिल्म मजुमदार और कमलेश पांडे तो लिखित कहानी तो लंबे समय से देखी हुई जुर्बा बहनों की और पर अभिनेत्री ने अलग हो चुकी बहनों के जीवन की अप्रत्याशित रूप से दूसरे की जुड़ती हुई पाती है सी से उसके क्रूर चाचा ने पाला जो उसके विरासत को लालची है भय और कठिनाइयों को जीवन व्यतीत करती उसके विपरीत मंजू और जीवन भव्य वातावरण में बन पड़ती है एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करती है जैसे ही नियोती उन्हें गलत पहचान के एक हस्त मामले के साथ लती है फिल्म हंसी एक्शन और परिवार के और ललीचपन के दिल को छू लेने वाले विषयों के साथ सामने आती है नाइनटीन एटी की हिंदी फिल्म चालबाज जिसका अंग्रेजी में अर्थ क्रिकेट से जो समान जुड़वा बच्चों अंजू और मंजू की कहानी बताती है जो जन्म के समय अलग 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 हो गए थे उनके जीवन इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकता है अंजू जिसका पालन पोषण उनके लालची चाचा ने किया था के साथ क्रूर व्यवहार किया गया था जो उसके मतलब उथल पुथल रखा गया था बेहतर जीवन उसका सपना ही उनका एकमात्र आराम है इस बीच मंजू एक जीवंत झुग्गी बस्ती में पली बड़ी। एक एक शिष्ट स्मार्ट व्यक्ति विकसित कर रहे थे भव्य एक एक उन्हें एक उन्हें साथ लाता है जो अंजू जिसे गलती और मंजू साझा किया जाता है मंजू की दुनिया के प्रवेश करती है अप्रत्याशित मोर की उनके जीवन के अवरजकता के डाल देती है इसके उन्हें हस्त स्पष्ट परिमाणों वाली एक परिचित स्थितियों के निपटने के लिए मजबूर होना पड़ता है जैसे उनकी कहानियां वापस में जुड़ती है उजागर है और परिवार और ललचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जो की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हादसों और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासिकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रमजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के

की की चालबाज को सकता है की बर्स के पर के दावा करने की यादगा सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सामान्य पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फिल्डिंग्स अवार्ड की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलिना एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमनी नाउन की समय के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक शरण चमक के से चमक रही थी उसके अपना एक्सटीडीओ को सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हुराई हुई ललितो की दृष्टि और उसके हटौके एक वेबसाइट मुस्कान

दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप ठोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुरा समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बृ जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा द्वारा लिखित निकोच और पोटूम में हुई मिली की होठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसाहित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरबा धड़कने लगा पेडियम पर पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा के घूमते हुए पाया उसका तहर हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुंह का समझ के रुक थे उसके मन में कृतिकता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करेम कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गड़गड़ाहट भेदी मंच में तरहते समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आँखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया भिजाता उसके पूछा उसकी आवाज़ गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं होंगे उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाए उसकी आवाज जाबुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर चुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे ही

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंघी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जकी नामक एक तेज ठगे की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने जंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिपुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की साहसिकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर कपूरभुवन के हर्ष्यपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हास्यपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं छालबाज व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइनटीन में इसमें एट करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन

सभागर के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फिल्डिंग्स अवार्ड की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली, एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमणी नाउन की समयोजित किया जिसकी रोशनी त्वचा के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपार एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक प्रति चमक से चमक रही थी उसके अपना स्टूडियो की सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हुराई हुई ललितो की दृष्टि और उसके हटौके एक व्यवसायित मुस्कान खेल रही थी जनता था, कि उसे, उसे था। ले भावुक लेकिन लेखिक जो एथन में एक ग्रुह अविश्वास पात्र तो मिला था उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता ने उसे अपनी कालों के निघाने की मदद की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही समारोह के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गति की बुझी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज़ पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा हर द्वारा लिखित कुछ और पोटू में हुई मिली कि होटों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम पर पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुँह का समझ के रुक रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गनगड़ाहट भेदी मंच में उतरते समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आँखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया भिजाता उसके पूछा उसकी आवाज़ गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं होंगे उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन स्थिर थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चर्म ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाए उसकी आवाज झाबुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर चुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे इतनी बेसभा बाहर निकले पुरस्कार प्रशंसाएं पृष्ठभूमि की फीकी पड़ गई आज रात उन्हें एक अधिक मुलायम चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंधी किसी भी साहसिक पुरस्कार की एक अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया अथा जसाजा सपनों और अनकहीं भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे से उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है तो उजागर होती है और परिवार और ललिचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी की जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो लोग देवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है इंजू की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जकी नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हादसों और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रमजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के

20 मिलियन है जबकि चालबाज को सकता है कि वर्ष के बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान का दावा करने की यादगार इसने नाइनटीन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सामने पाँचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फिल्डिंग अवॉर्ड की रात की जो साहित्य तो जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली, एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमणि नाउन की समयोजित किया जिसकी रोशनी समय के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में बढ़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुरा समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बिरजी जब का सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोल लिया उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ और पोटूर में हुई मिली कि होटों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसाहित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रुकड़े थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में उतरते समय परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और उसकी खुशी की झलक दे रहे थे एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया था उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उसने उसका हाथ पकड़ते हुए मधुर में, में धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चरम ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाया उसकी आवाज जागुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका एक लंबे नृत्यता हवा में के के लिए के साथ समाप्त हुआ जैसे ही बे सुहा बाहर निकले पुरस्कार प्रशंसा पृष्ठभूमि की फीकी पड़ गई आज रात उन्हें अधिक मुलायन चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंधित किसी भी साहसिक पुरस्कार के अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया था जसाजा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे से उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है रास्तों उजागर होती है और परिवार और ललिचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इससे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो लोग देवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जो की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकी नामक एक तेज तरवार की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने की अंजु का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी निभायानी त्रिपुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाए अनुभव बनाते हैं छालबाज व्यवसाय ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइनटीन में इसमें एट करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर मुद्रास्पति की ध्यान में रखने हुए ये वन करोड़ की प्रभावशाली और की कमाई की बार चालबाज को सकता है के पर के दावा करने की यादगा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सामान्य पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फीलिंग्स अवॉर्ड की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली, एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमणी नाउन की समय के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुर्ति की एक संकेत जैसे ही समारोह के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में बढ़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुरा समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब का सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोल लिया उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ और टूर में हुई मिली कि होटों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव जिसे जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में ज़ेली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा के घूमते हुए पाया उसका भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रुक थे उसके मन में कृतिकता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बहुमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गणगराहट भेदी मंच में उतरते समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया भी जाता उसके पूछा उसकी आवाज़ गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं ऊँचाऊँगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफूसाया उसकी आवाज भावुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर चुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठगे की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिपुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में कर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव अनुभव बनाते हैं छालबाज अच्छा व्यवसाय ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइनटीन में इसमें ८ करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर मुद्रास्पति की ध्यान में रखने हुए ये १६० करोड़ की प्रभावशाली कमाई की की चालबाज को सकता है की बर्स के पर के दावा करने की यादगा सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सामान्य पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फिल्डिंग अवॉर्ड की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एली एलोरोना ने घबराहट से अपनी नीलमनी नाउन की त्वचा के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपार एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिशोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झेवरे की समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुष्कराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की वृद्धि जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज़ पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित निकोच और पोटू में हुई मिली कि होटों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में इसके मुख का समझ के रुकड़े थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया था उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उछाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाए उसकी आवाज जागुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंगी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिपुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासिकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण हाँ दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण हाँ प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं छालबाज व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइनटीन में इसमें एट करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन

सभागर के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फीलिंग अवॉर्ड की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली एलोरोना ने घबराहट से अपनी नीलमनी नाउन की जित किया जिसकी रोशनी के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपार एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक शरण

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिशोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झेवरे की समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुष्कराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बिरजी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज़ पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा हर द्वारा लिखित कुछ और पोटू मोरों में हुई मिली कि होटों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के जुक रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा कहानी कहानियों ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गड़गड़ाहट भेदी मंच में तरहते समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आँखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया भिजाता उसके पूछा उसकी आवाज़ गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं होंगे उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफूसाया उसकी आवाज जागुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंगी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी ब्रज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं अजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जकी नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्ता का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहायता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रामजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं छालबाज व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइन्टीन में इसमें

सभागर के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली एलोरो ने घबराहट से अपनी नीलमणि नाउन की समय के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल मैथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक शरण प्रति चमक के से चमक रही थी उसके अपना एक्सिडियो को सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हुराई हुई ललितो की दृष्टि और उसके हटौके एक व्यवसायित मुस्कान खेल रही थी जनता था कि वो किसी दबाव में थे। उसे उसके प्रत्यक्ष ले भावुक लेकिन अनुभवहीन लेखिक जो एथन में एक ग्रुह अविश्वास पात्र तो मिला था उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता ने उसे अपनी कालों के निघाने की मदद की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही समारोह शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोलिया उसकी आवाज़ पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ और पोटू मोरों में हुई मिली कि होटों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव जिसे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही उतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया था उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उनकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उछाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन धिकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाए उसकी आवाज़ जाबुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर चुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी की जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं अजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हादसों और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजु की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रमजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के

20 मिलियन है बल्कि चालबाज को सकता है कि वर्ष के बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान का दावा करने की यादगार इसने नाइनटीन के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से पांचवां स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया स्पॉटलाइट ने, ने अंधेरे सबागर के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच भेल कलीन की तौर फेल लाल कलिन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फील्डिंग्स अवार्ड्स की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमणि नाउन की समयोजित किया जिसकी रोशनी मिलमी उसके त्वचा के खिलाफ उस रही थी प्रतिष्ठित रोमांस पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस मैथन कार्टन उसके काले बाल विस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक शरारती चमक से चमक रही थी उसके अपना एक्सिडियो को सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हवराई हुई ललितों की दृष्टि और उसके हटो के एक व्यावसायिक मुस्कान

दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही समारोह शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज़ पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ और टूर में हुई मिली कि होटों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसाहित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पर पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के थे उसके मन में कृतिकता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गनगाहट भेदी मंच में समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चर्म ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफूसाया उसकी आवाज़ जागुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका एक लंबे नृत्यता हवा में के के लिए मौनवादी साथ समाप्त हुआ जैसे ही भेसभा कर बाहर निकले पुरस्कार प्रशंसा पृष्ठभूमि की फीकी पड़ गई आज रात उन्हें अधिक मुलायन चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंध किसी भी साहसिक पुरस्कार की अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया था जसहाजा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे से उनकी कहानियों वापस में जुटती रास्तों जागर होती है और परिवार और ललजपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जो की प्रेमी की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण दान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव अनुभव बनाते हैं छालबाज व्यवसाय ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है १९९९ में इसमें ८ करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर मुद्रास्पति की ध्यान में रखने हुए ये १६० करोड़ की प्रभावशाली और की कमाई के के बराबर जो है है में लगभग 20 मिलियन वर्ष चालबाज को कि बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान का दावा करने की यादगा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सामान्य पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुन स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फीलिंग अवार्ड की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली एलोरोना घबराहट से अपनी नीलमनी नाउन की रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

लेखक के ट्रिपिल में ले थी। हुई काफी और उसे क्रितों के कारण एक कालों के निघाने की मदद की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना गिला उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में बढ़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्करार समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब आखे का सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक होली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ ऑपॉर्टुमॉरल में हुई मिली की होंठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गरगरहाट के बीच एक अप्रसाहित अनुभव भी जिसे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जेली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के झुकरे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने की फिर उसने एथन की से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मधुर धुन रहे उस पल में रखा हुआ तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चरम ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाया उसकी आवाज़ जागरूकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नित्तो एक लंबे नृत्यता हवा में के के लिए मौन के साथ समाप्त हुआ जैसे ही बेसभा कर बाहर निकले पुरस्कार प्रशंसा पृष्ठभूमि की फीकी पड़ गई आज रात उन्हें अधिक मैन चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंधित किसी भी साहसिक पुरस्कार की अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया था जसहाजा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है रास्तों जागर होती है और परिवार और ललिजपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जो की प्रेमी की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा गया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव को बनाते हैं चालबा वेबसाइट ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है 99 में इसमें 8 करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर मुद्रास्फीति की ध्यान में रखने हुए ये 160 करोड़ की प्रभावशाली का की की दावा करने की यादगार की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में पांचवा स्थान पांच हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फीलिंग अवार्ड की रात की जो साहित्य तो जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एली, एली राइट ने घबराहट से अपनी नाउन किया जिसकी रोशनी के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्करार समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ और टूर में हुई मिली की होठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गरगरहाट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुँच उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में इसके मुख का समझ के रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गनगाह भेदी मंच में समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ राय था उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उछाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन स्थिर थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से घिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी वस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाए उसकी आवाज़ जाबुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे बाहर निकले पुरस्कार पृष्ठभूमि की फीकी पर गई आज रात उन्हें अधिक चीज़ मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंधित किसी भी साहसिक पुरस्कार के ही अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया था जसाजा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे जैसे उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है रास्तों उजागर होती है और परिवार और ललिजपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली पड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो सी देवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी ब्रूज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं अजनीकांत जो अपने जीवन के बड़े व्यक्तित्वों के लिए जाने जाते हैं जाकी नामक एक देश दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हास् और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की अंजुप का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हास्यपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हास्यपूर्ण दान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजक सिनेमाई अनुभव बनाते हैं हालबाज एफसाइ ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है 1999 में इसमें 8 करोड़ के शुद्ध कमाई के लगभग 1 मिलियन के बराबर उस की ध्यान में रखने हुए यह 160 करोड़ की प्रभावशाली और की कमाई पर शीर्ष स्थान का दावा करने की याद नाइन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फीलिंग अवार्ड की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली, एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमणि नाउन की किया जिसकी रोशनी के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिशोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झेवरे के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की वृद्धि जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा हर द्वारा लिखित इंकोच और टूर में हुई मिली की होठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम पर पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा प्रेम कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में उतरते समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ राय था उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं ऊंचाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफूसाया उसकी आवाज़ जाबूकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर चुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे बाहर निकले पुरस्कार पृष्ठभूमि अधिक चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंध किसी भी साहसिक पुरस्कार के ही अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया था जहा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे जैसे उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है रास्तों उजागर होती है और परिवार और ललिचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी की जीवंत बनाते हैं इससे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुग्गी में पली पड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो लोग श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जो की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हादसों और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्रम का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रमजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के

और की कमाई की बाग बाग की की के के बराबर जो है है में लगभग 20 मिलियन चालबाज को कि बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान का दावा करने की याद नाइन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सामान्य पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल की रोशन किया गया था आज रात नाइट की की जो साहित्य तो जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली, एली राइट ने घबराहट से अपनी नाउन की समयोजित किया जिसकी रोशनी त्वचा के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक प्रति चमक से चमक रही थी उसके अपना एक्सिडियो को सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हुराई हुई ललित टोक्यो दृष्टि और उसके हटौके एक व्यवसायित मुस्कान खेल रही थी बहुत जनता था कि वो किसी दबाव में थे। उसे, उसे प्रत्यक्ष देखा लेकिन अनुभवहीन लेखिक जो एथन में एक ग्रुह अविश्वास पात्र तो मिला था उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता ने उसे अपनी कालों के निघाने की मदद की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों रही गई थी। एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुर्ति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिशोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झेवरे के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुष्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की वृद्धि जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोलिया उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ और टूर में हुई मिली कि होटो के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसाहित अनुभवी भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज दरवा धड़कने लगा पेड़ पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के झुक रहे थे उसके मन में कृतिकता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बंपती की आवाज़ में मिली न अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा प्रेम कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में उतरते समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं ऊँचाऊँगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन स्थिर तिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फूसफूस उसकी आवाज़ जाबूकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौनवादी के साथ समाप्त हुआ जैसे

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंघी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हादसों और एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजु की चित्ता चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रमजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के

20 मिलियन है वर्ष की चालबाज को लगता है कि वर्ष के बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान का दावा करने की यादगार ने एंटीनेटिनान के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से सामन पांचवां स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर भेल लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली एलोरो ने घबराहट से अपनी नाउन की समयोजित किया जिसकी रोशनी के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही समारोह शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में थे हालांकि उसका मन बार -बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी मुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गति की बुझी जब आखिर का सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोलियो उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ अपोटू मॉर्न में हुई मिली कि होंठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गरगरहाट के बीच एक अप्रसाहित अनुभव जिसे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जेलीओसा महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज दरवा धड़कने लगा पेड़ पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के झुक थे उसके मन में कृतिकता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली न अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गनगाह भेदी मंच में उतरते समय परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं होंगे उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन धिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से घिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चरम ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाया उसकी आवाज़ जागुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे बाहर निकले पुरस्कार पृष्ठभूमि की फीकी पर गई आज रात उन्हें अधिक मुलायन चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंधी किसी भी साहसिक पुरस्कार के ही कधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया अथा जसाजा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे से उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है रास्तों उजागर होती है और परिवार और ललिचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुग्गी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो सी देवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है अंजू की प्रेमी ब्रज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं अजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े बड़े व्यक्तित्वों के लिए जाने जाते हैं जाकी नामक एक तेजतर्रार ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्ता चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रामजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं चालबाज व्यावसायिक ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया प्रभावशाली कमाई के बीच उनकी की कमाई की बराबर जो दो में लगभग बीस मिलियन है बल्कि चालबाज को सकता है कि वर्ष बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान का दावा करने की याददाश्त ने नाइन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में ने पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट की की साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली, एली रायट ने घबराहट से अपनी नाउन समयोजित किया जिसकी रोशनी त्वचा के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपार एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही समारोह हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिसोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार -बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झोरे के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गति की बुझी जब का सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी

पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के झुकरे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में उतरते समय परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मधुर धुन रहे उस पल में रखा हुआ धुनकते तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चर्म ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फूस उसकी आवाज़

सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है तो उजागर होती है और परिवार और ललिचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुग्गी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो सी देवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है अंजू की प्रेमी ब्रज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं अजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जाकी नामक एक तेजतर्रार ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजुण का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुप प्रभाव बनाते हैं चालबा वेबसाइट ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है 99 में इसमें 8 करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर मुद्रास्फीति की ध्यान में रखने हुए ये 160 करोड़ की प्रभावशाली और की कमाई की जो दो गर, की की के के बराबर है है में लगभग मिलियन चालबाज को कि बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान का दावा करने की याददाश्त यादगार की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फीलिंग अवार की, की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एली, एली राइट ने घबराहट से नीलमणि नाउन समयोजित किया जिसकी रोशनी के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

लेखक के ट्रिपल में, ले में एक गुरु मिला था। बुद्धी और बुद्धी ने उसे अपनी कालों के निघाने की मदद थी। की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुर्ति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिशोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झगड़े के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुष्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बिरजी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कुछ और पोटू में हुई मिली की होठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रुकरे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा प्रेम कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गड़गड़ाहट भेदी मंच में उतरते समय परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उछाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुराते तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से घिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चर्म ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसपुसाया उसकी आवाज़ जागुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौनवादे के साथ समाप्त हुआ जैसे

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंगी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुप प्रभाव बनाते हैं चालबा वेबसाइट ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है 99 में इसमें 8 करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर हूं की ध्यान में रखने हुए ये 160 करोड़ की प्रभावशाली पर शीर्ष स्थान का दावा करने की यादगार की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट की की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एली, एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमणि नाउन समयोजित किया जिसकी रोशनी के त्वचा खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक रुति चमक से चमक रही थी उसके अपना एक्सिडियो की सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हुराई हुई ललितो की दृष्टि और उसके हटौके एक व्यवसायित मुस्कान खेल रही थी वो जनता था कि वो किसी दबाव में थे उसे उसके देखा था। अनुभवहीन लेखिक ले जो एथन में एक ग्रुह अविश्वास पात्र तो मिला था उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता ने उसे अपनी कालों के निघाने की मदद की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों गई थी। एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप ठोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुर्ति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिशोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झेवरे के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुष्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की वृद्धि जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोलिया उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा हर द्वारा लिखित कुछ और पोटू में हुई मिली की होठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करेम कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही उतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में खुशी और झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा, उसका चेहरा एक उज्जवल एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उछाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुराते तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से घिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चरम ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफूसाया उसकी आवाज़ जागुकता भरी हो गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्वच्छता हवा में टल के लिए मौनवादे के साथ समाप्त हुआ जैसे

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते हैं जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्त का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासिकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रामजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्ष्यपूर्ण करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं छालबाज व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइनटीन में इसमें एट करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक

सभागर के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर भेल लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट की की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली राइट ने घबराहट से अपनी रोशनी के खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल मैथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में बढ़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्करार समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा द्वारा लिखित कोच ऑफ टूर में हुई मिली की होठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव जिसे जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर फिर जतरवा धड़कने लगा पेडियम पर पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में इसके मुख का समझ के रुके थे उसके मन में कृतकता के लहर दौड़ रहा था शब्द तेज से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गनगाह भेदी मंच में उतरते समय परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उछाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं मधुर धुन धुनकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चर्म ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फूसफूसाया पुस उसकी आवाज जाबुकता भरी हुई गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे ही

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंघी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जकी नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य और एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्र का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासिकता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हास्यपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हास्यपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइन्टीन में इसमें

सभागर के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर

चमक से चमक रही थी उसके अपना एक्सटीडीओ को सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हुराई हुई ललित टोक्यो दृष्टि और उसके हटौके एक व्यवसायित मुस्कान खेल रही थी वो जनता था कि वो किसी दबाव में थे उसे अनुभवहीन लेखिक ले जो एथन में एक ग्रुह अविश्वास पात्र तो मिला था उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता ने उसे अपनी कालों के निघाने की मदद की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही समारोह शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके हिसोरों के रूप में बड़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित झोरे के समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी मुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गति की बुझी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोलियो उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा हर द्वारा लिखित कोच ऑफ टूर में हुई मिली की होटो के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रुकरे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तालिया गनगाह भेदी मंच में उतरते समय परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं होंगे उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं मधुर धुन धिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरात तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमड़ों में चरम ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाए उसकी आवाज भावुकता भरी हो गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन वादे के साथ समाप्त हुआ जैसे ही

चालबाज में शानदार कलाकारों है जो कहानी के जीवंत बनाते हैं इसे भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पढ़ रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंगी में पली पड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है जू की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकि नामक एक तेज दरबार ठग की भूमिका में फिल्म के हादसों और एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की चित्ता का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिभुवन की पत्नी और अंगवा के चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की सहासता करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के

20 मिलियन है वर्ष चालबाज को लगता है कि वर्ष के बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान का दावा करने की याददाश्त इसने एंटीनेटिना की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल पांचवां स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागर के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर फेल लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट अवार्ड्स की रात की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एली राइट ने घबराहट से अपनी नीलमणि नाउन की समयोजित किया जिसकी रोशनी मिलमी उसके त्वचा के खिलाफ प्रतिष्ठित रोमांस उपन्यास सुपर पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस पार मैथन कार्टन उसके काले बाल विस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक शरारती चमक से चमक रही थी उसके अपना एक्सिडियो को सीधा किया एली के विपरीत एक अनुभवी सहयोगी थी उनके पहले उपन्यास ने कुछ साल पहले सही पुरस्कार जीता था वो जब उनका नया उपन्यास शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्हें प्रकाश की एक परिचित लहर महसूस हुई उसने एली की देखा हवराई हुई ललितों की दृष्टि और उसके हटो के एक वेबसाइट मुस्कान खेल रही थी वो जनता था कि वो किसी दबाव में थे उसे अनुभवहीन लेखिक ले जो एथन में एक गुरु अविश्वास पात्र तो मिला था उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता ने उसे अपनी कालों के निघाने की मदद की थी हालांकि उनकी बातचीत साहित्यों की चर्चा और आगे बढ़ गई थी और एक झिझक भरी दोस्तों बनप रही गई थी एथन ने एली की नजर पकड़ी और चुपचाप टोस्ट में अपना गिलाफ उठाया जब जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी मुस्कुराट समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गति की बुझी जब का सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कोच ऑफ टूमोर में हुई मिली की होठों के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसारित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम पर पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रुक रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गहट गर भेदी मंच में उतरते समय परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उचाऊंगे उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चर्म ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाया उसकी आवाज़

सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे से उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है रास्तों उजागर होती है और परिवार और ललिचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों जो कहानी के जीवंत बनाते हैं भूमिका नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंगी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो लोग देवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है इंजू की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकी नामक एक तेज तरवार की भूमिका में फिल्म के हास्य एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने अंजू की का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिपुवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में गर्मजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं छालाबाज एफ साई ग्रुप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइनटीन में इसमें एट करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर मुद्रास्पति की ध्यान में रखने हुए ये वन करोड़ की प्रभावशाली और की कमाई की, को सकता है की के पर शीर्ष स्थान का दावा करने की यादगा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुनील स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर भेल लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट की की जो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलियोनाली ना एली नाउन की रोशनी प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उजपार एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में बढ़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्करार समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब का सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोलिया उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा घर द्वारा लिखित कोच ऑफ टूर में हुई मिली की होटो के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अप्रसाहित अनुभव भी जिससे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम और पहुँच उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद के घूमते हुए पाया उसका तहर भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्व से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के रहे थे उसके मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बमपति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण ऐथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करेम कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर जितना ही इतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गहट भेदी मंच में खुशी और झलक दे रहे थे एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं उचाऊंगे उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं में मधुर धुन थिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी वह स्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चर्म ले गई थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफुसाया उसकी आवाज झाबुकता भरी हो गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पष्टता हवा में टल के लिए मौन के साथ समाप्त हुआ जैसे बाहर निकले पुरस्कार पृष्ठभूमि अधिक मुलायम चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंध किसी भी साहसिक पुरस्कार के ही अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया था जसाजा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था जैसे से उनकी कहानियों वापस में जुड़ती है रास्तों उजागर होती है और परिवार और ललिचेपन का सही अर्थ सामने आता है चालबाज में शानदार कलाकारों जो कहानी की जीवंत बनाते हैं भूमिका का नेतृत्व महान अभिनेत्री श्रीदेवी पर रहे हैं थोड़ी भूमिका में अविश्वर प्रदर्शन करते हैं वो अलग हो चुकी जुड़वा बच्चों की अंजू और मंजू की विपरीत व्यक्तित्व के उल्लेखनीय कौशल के साथ चित्रण करते हैं अंजू और अपने क्रूर चाचा के अधीन फंसी एक कोमल आत्मा और मंजू एक जीवंत झुंकी में पली बड़ी एक साहसी और स्वतंत्रता महिला जो लोग श्रीदेवी की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा के जीवंत कर दिया है इंजू की प्रेमी ब्रोज की भूमिका सनी देवल में फिल्म का आकर्षण बढ़ा दिया है एक दयालु व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो उसे बहुत आवश्यक समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं रजनीकांत जो अपने जीवन के भरी बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं जैकी नामक एक तेज ठग की भूमिका में फिल्म के हास्य एक्शन का तड़का लगाते जो बहनों का उलझा जाते हैं साहसक कलाकार के फिल्म और मजबूत बताते हैं अनुपम खेर ने की अंजुभ का किरदार निभाया जो उसकी विरासत चुराने योजना बनाते हैं रोहिणी हटनागर त्रिवन की पत्नी और अंगवा चमकती है जो गुप्त रूप से अंजू की करती है अनु कपूर मंजू की वफादार दोस्त दयाल के रूप में रामजोशी पेश करते हैं जबकि शक्ति कपूर त्रिभुवन के हर्षपूर्ण दाहिने हाथ बलमा के रूप में हर्षपूर्ण प्रदान करते हैं साथ ही ये प्रतिस्पर्धी समूह के एक यादगार मनोरंजन सिनेमाई अनुभव बनाते हैं छालाबाज व्यवसाय रूप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिष्ठित हिट का दर्जा दिया फिल्म की अनुमानित कमाई दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है नाइनटीन में इसमें ८ करोड़ के शुद्ध कमाई की लगभग एक मिलियन के बराबर मुद्रास्पति की ध्यान में रखने हुए ये १६० करोड़ की प्रभावशाली और की कमाई पर शीर्ष स्थान का दावा करने की याद ने, ने सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सामान्य पांचवा स्थान हासिल किया और एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से प्राप्त फिल्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया सुन स्पॉटलाइट ने अंधेरे सभागार के माध्यम से एक रास्ता बनाया जिसमें मंच की तौर भेल लाल कलीन की रोशन किया गया था आज रात नाइट फिलिंग्स की रात की जो साहित्य तो जगत का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है एलोना एली राइट ने घबराहट से अपनी नाउन समयोजित किया जिसकी रोशनी के त्वचा खिलाफ रही थी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा रोमांस उपन्यास पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर उसे उत्साह और भय का एक रोमांटिक मिश्रण महसूस हुआ कैमरे के उस उजपाल एथन कार्टन उसके काले बाल बिस्तारे हुए और उसके पन्ना उसी आंखें एक

जवाब में मुस्कुराई उसकी आंखों में कुकृति की एक संकेत जैसे ही के शुरू हो गया एली ने खुद को एक प्रसिद्ध रोमांस उपन्यास के बगल में बैठा पाया इसके उपन्यास उसके के रूप में बढ़े थे हालांकि उसका मन बार बार एथन की ओर भटक रहा था उसके उपस्थिति परिचित समुद्र में एक आरामदायक लड़ा गई थी पुस्करार समारोह की आगे बढ़ा प्रत्येक श्रेणी की घोषणा और सामाजिक उत्साह और गतियों की बुझी जब आखिरकार सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यास श्रेणी आई तो पूरे कमरे की सांस थम गई प्रस्तुतकर्ता की माइक खोली और उसकी आवाज पूरे हल में गूंज उठी जो विजेता एलेनोरा द्वारा लिखित कोच और टूर्मोरो में हुई मिली की होटो के एक आह निकल गई उसका नाम गूंज उठा तालियों गड़गड़ाहट के बीच एक अनुभव भी जिसे कि वो उठी सभी को निगाहों पर थी उसके पैरों में जली उसे महसूस हो रहा था जैसे ही वो मंच की और बड़ी उसका दिल उसका पसलियों पर तेज तरवा धड़कने लगा पेडियम पर पहुंचकर उसने खुद का परिचित चेहरा दुखद घूमते हुए पाया उसका भाषण हवा में उड़ गया फिर उसने एंथन को देखा वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था वो मुस्कुरा रहा था उसके आंखें गर्भ से भरी हुई थी उस पल में उसका कैमरा हुआ था केवल भी दोनों में उसके मुख का समझ के झुक रहे थे उसके मन में कृतिकता की लहर दौड़ रहा था शब्द तेजी से वापस आने लगता है भगत सेना बहपुद्ति की आवाज़ में मिली ना अपने परिवार दोस्तों के सबसे महत्वपूर्ण एथन को धन्यवाद दिया उसने समझे अपनी आवाज़ पर भरोसा करें कहानी और ताकत पर विश्वास करना सिखाया उसके कहा उसने आवाज थोड़ी टूटी हुई थी ये सुपर हीरा जितना ही उतनी ही उसका भय था जैसे ही उन्होंने अपना सा भाषण समाप्त किया तालिया गनग्राहट भेदी मंच में उतरते समय उसके परिवार ने उसे हंसकर गाले लगा लिया उसके खुशी और आंसू उसकी खुशी की झलक दे रहे थे फिर उसने एथन की फिर से देखा उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ चमक रहा था इसमें एक हाथ बढ़ाया उसकी आंखों चमक रही थी क्या मैं ये नृत्य कर सकता हूँ मुस्कुराया बिजाता उसके पूछा उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी एली हंसी और उसकी आंख से एक आंसू निकल गए मैं इसी दुनिया भर में नहीं ऊंचाऊंगी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए एक उत्तर दिया मैं मधुर धुन तिरकते रहे उस पल में रखा हुआ मुस्कुरा तो प्रभावशालों के चमत्कार दुनिया से गिरे हुए जो कुछ भी मायने रखता है वो उनकी उपस्थिति का शांत आराम था स्पॉटलाइट गायब हो गई थी उनकी जगह उनके ऊपर झुमरों में चरम ले रही थी मुझे तुम पर बहुत गर्व है एक फुसफूसाया उसकी आवाज झाबुकता भरी हो गई थी धन्यवाद एली ने उसके कंधे पर अपना सिर चुकाते हुए उत्तर दिया प्रत्येक वस्तु के लिए उनका नृत्य एक लंबे स्पर्शता हवा में टल के लिए मौन के साथ समाप्त हुआ जैसे ही बेसुआ कर बाहर निकले पुरस्कार प्रशंसा पृष्ठभूमि की फीकी पड़ गई आज रात उन्हें अधिक मुलायन चीज मिली और ऐसा संबंध जिसका प्रतिबंधी किसी भी साहसिक पुरस्कार के ही अधिक गहरी थी उन्हें प्यार मिल गया था जसाजा सपनों और अनकही भावनाओं की भाषा में लिखी एक प्रेम कहानी एक अंतत वो सभी पुरस्कारों से सबसे सुंदर पुरस्कार था